प्राचीन काल की तुलना में आज आदमी का ज्ञान बढ़ता हुआ चला गया है। ज्ञान की दो धाराएं हैं और दोनों को ही बढ़ाना चाहिए। एक धारा वह है जो हमारे जीविका पैदा करने के लिए काम आती है, इसको शिक्षा कहते हैं। लोक व्यवहार उसी के आधार पर सीखा जाता है। लोक व्यवहार में प्रवीण बनने के संबंध में एक, जीविकोपार्जन के संबंध में दो। जो जानकारियां हमको मिलती है उसका नाम शिक्षा है। आवश्यक है, शिक्षा आवश्यक है। शिक्षा न होगी तो आदमी अपने शरीर को संभाल किस तरीके से पाएगा, समाज के साथ में तालमेल बिठा किस तरीके से पाएगा, अपनी अकल का उपयोग किस तरीके से कर पाएगा। ये सब जानकारियों के लिए शिक्षा तो आवश्यक है। शरीर के जीवन के लिए, भौतिक जीवन को ठीक बनाए रहने के लिए शिक्षा बेहद जरूरी है। लेकिन एक केवल भौतिक जीवन ही तो नहीं है, एक और भी तो हमारा जीवन है जिसको हम आध्यात्मिक जीवन कहते हैं। चेतना भी तो कोई हमारे भीतर है, आत्मा भी तो कोई हमारे भीतर है, विवेक भी तो कोई हमारे भीतर है, संवेदनाएं भी तो हमारे कोई भीतर है। इन सब को ठीक रखने के लिए एक और चीज की जरूरत है जिसका नाम है विद्या। वास्तव में महत्व उसी का है। दुनिया भी जानकारियों के बारे में तो ढेरों आदमी ऐसे हैं जिनकी जानकारियां बहुत हैं, होशियार बहुत हैं। आदमी विद्यावान कम है क्या दुनिया में? कलाकार कम है क्या दुनिया में? चतुर आदमी दुनिया में कम है क्या? क्रिया कुशल लोगों की कमी है क्या? आप बताइए ना, जेल खाने में पड़े हुए लोगों को आप नहीं देखा है? एक से एक होशियार आदमी, एक से एक समझदार आदमी। जालसाजों में पढ़े लिखे ही आदमी ज्यादा होते हैं। नासमझ आदमी जेब कटी कर सकते हैं और छोटे मोटे काम कर सकते हैं, पर दुनिया में जो बड़े बड़े जालसाजियां हुई हैं ये पढ़े लिखे लोगों ने की है। तो शिक्षा की बात मैं नहीं कहता, शिक्षा अपनी जगह पर मुबारक, मुझे कुछ लेना देना नहीं। लेकिन जहां आप लोगों की सेवा में मैं कुछ बात कह रहा हूं, विद्या के बारे में कह रहा हूं, आपको विद्या का महत्व समझना चाहिए। विद्या का अगर महत्व समझ सके तो मजा है। विद्या से क्या मतलब? विद्या से मतलब यह है कि आप अपने विचारों का इस्तेमाल किस तरीके से करें, आप अपने शरीर का इस्तेमाल किस तरीके से करें, साधनों का इस्तेमाल कैसे करें, परिस्थितियों का उपयोग किस तरीके से करें। अपने पास जो सामान और साधन मिला हुआ है या मिल सकता है, आप उसका ठीक तरीके से इस्तेमाल किस तरीके से कर पाएंगे, बस इसी का नाम विद्या है। Thank you.